दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों इस समय नौका विहार, जो कि गोरखपुर में है। और यहां आने के बाद में दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। और यहां की सारी डिटेल्स दोस्तों, बोटिंग वगैरह यहां पे हो रही है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है नौका विहार का गेट, और गेट से अभी हम लोग एंट्री करेंगे, अंदर चलेंगे। यहाँ से हम लोग दोस्तों एंट्री कर चुके हैं, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सेल्फी वेल्फी के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ऐसी अच्छी अच्छी प्लेस है जहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ का ताल देख सकते हैं, रामगढ़ ताल कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों बोटिंग करने का जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। हमने बोटिंग किया है, और बोटिंग जो किया है दोस्तों उसकी प्राइस क्या लगी है वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहाँ से जाकर आप टिकट ले सकते हैं और किस में बोटिंग करेंगे तो जिसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, वो सारी चीज़ें हम आगे आपको बताएँगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों इसके बाद में फिर हम चलते हैं, अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ सामने दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बोट हैं जो नए नए आ चुके हैं 2023 में, नए नए इस नौका विहार में आ चुके हैं। पिछले साल हम आए थे यहाँ पे तो कुछ विशेष नहीं था, बट इस साल बहुत सारे ऐसे नए बोट हैं जो आ चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग चलते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों स्कूली बच्चे हैं जो लोग ट्रिप पर आए हुए हैं, यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं और हम लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं। दोस्तों बहुत लंबा सफ़र करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ख़ास करके वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो हमने बनाया है और शायद आपको अच्छा भी लगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग अंदर चलते हैं, सब्सक्राइब करिएगा। ये जगह जो है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाई गई है, और ताल के कुछ अंदर है दोस्तों, तो यहाँ पर बैठने से और घूमने से जो मज़ा है दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अंदर है ताल के ये, और यहाँ हम चलेंगे, यहाँ से हम लोग टिकट भी लेंगे और टिकट लेंगे दोस्तों, और टिकट की प्राइस वगैरह भी बताते हैं आपको, और बोटिंग कहाँ से आप कर सकते हैं बेटर वो भी जगह बताते हैं आपको, बहुत सारी बातें जो आपको बताएंगे। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक है, ये भाई DSLR लेके खड़े हुए हैं, ये फ़ोटो निकालते हैं दोस्तों मात्र 30 रुपये में, एक आपको फ़ोटो निकालेंगे DSLR से। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमेशा म्यूज़िक चलती रहती है दोस्तों, आप लोग मज़ा ले सकते हैं। यहाँ साइड में दोस्तों ये बच्चों के लिए देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी वगैरह चल रही है जहाँ पे बच्चे मज़ा कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लिखा है आई लव गोरखपुर। तो दोस्तों ये सीन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर फव्वारा लगाया गया है दोस्तों, इसका भी मज़ा ले सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है पैंडल वाली बोटिंग, जहाँ से आप खुद से ही पैंडलिंग करके यहाँ पर 20 मिनट तक एंजॉय कर सकते हैं। पर पर्सन का दोस्तों यहाँ पे लगता है 40 रुपया, एक आदमी का 40 रुपया लगेगा दोस्तों। और कुछ जगह बनाई गई है दोस्तों जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। ये वाली दोस्तों जो देख रहे हैं बोटिंग, ये दोस्तों ये है फास्ट बोटिंग, ठीक है। इसका प्राइस जो है ये पर पर्सन का लगता है दोस्तों 100 रुपीज़ पर पर्सन, और ये बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाता है दोस्तों। आप मेरे इस वीडियो में बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, जो बड़ी वाली दोस्तों आ रही है, बोट आ रही है, उसके लगते हैं 60 रुपया पर पर्सन, क्योंकि वो स्लो वाली है। और ये जो दोस्तों देख सकते हैं ये फास्ट वाली बोट, इसका लगता है 100 रुपया। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग भी आगे बोटिंग करते हैं, और बोटिंग का कैसा मज़ा रहा है सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, और बोटिंग के टाइम पे हमने वीडियो बनाया, उस टाइम हमने वो वॉइस नहीं डाल पाया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। पीछे से देखते हैं बंदा चला रहा है, आगे आप बैठ कर इन्जॉय कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलाता है दोस्तों, हकीकत में बता रहे हैं, हालत ख़राब हो जाती है जब इतने अंदर पानी के आ जाते हैं और इतनी स्पीड चलती है दोस्तों।
मजा आ रहा है घूमने में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ही थके हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आज हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा घूमा है भाई, तो घूम घूम कर थकावट। आज नौका विहार के वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोगों ने इतना ज्यादा यहाँ पर पैदल चल दिए, इतना ज्यादा पैदल भाई, पैर वैर बहुत ज्यादा दुखने लगे हैं, हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है। एजाज भाई की तो कंडीशन काफी गंदी हो चुकी है भाई, मैं बहुत ज्यादा थकेला महसूस कर रहा हूँ। हाँ बहुत ज्यादा थके हाँ भाई, चलिए कोई बात नहीं भाई, कम से कम वीडियो बन तो गई भाई, और बहुत ही तगड़ा कंटेंट बना है भाई।